नमस्कार दोस्तों, माहिर माली टेक्निकल नॉलेज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि हम थ्री फेज मोटर के कनेक्शन स्टार्टर के साथ कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आपको एक स्टार्टर दिखाई दे रहा है, इस स्टार्टर का नाम डोल स्टार्टर और इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहा जाता है। इस स्टार्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका उपयोग 5 HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है। हम इस स्टार्टर के कवर के ऊपर की बात करें तो हमें यहाँ पर 2 पुश बटन दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन पुश बटन और रेड पुश बटन, और बीच में एक स्टॉपर दिखाई दे रहा है। ग्रीन पुश बटन का उपयोग मोटर को ऑन करने के लिए किया जाता है और रेड पुश बटन का उपयोग मोटर को बंद करने के लिए किया जाता है। और ये बीच में लगा स्टॉपर, इसका उपयोग सामान्यतः मोटर को एक ही कंडीशन में रखने के लिए किया जाता है। जब हम इसे इस प्रकार ग्रीन पुश बटन के ऊपर रख देते हैं, कर सेट करते हैं, तो क्या होगा, हमारी मोटर परमानेंट ऑन ही रहेगी। भले ही बीच में लाइट कट हो जाए तो भी मोटर ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती। ये तो हो गया इसका लाभ, परंतु इसका एक नुकसान भी है कि अगर किसी कारणवश 3 फेज सप्लाई आगे से पूरी नहीं आ पाती हैं तो भी यह मोटर को ऑन करेगा, क्योंकि इसके द्वारा पुश बटन दबा हुआ है। तो उस कंडीशन में हमारी मोटर जल सकती है, तो सामान्यतः हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम इस स्टार्टर को अंदर से भी देखते हैं कि अंदर से इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे। अंदर से हमारा स्टार्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि इसके कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। इसके कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पर 3 टर्मिनल और यहाँ पर भी 3 टर्मिनल दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी 3 फेज सप्लाई होती हैं, 3 फेज सप्लाई के तीनों वायर RYB आपको ले लेने हैं। और सबसे पहले जो ये पहला टर्मिनल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लाल वाला वायर हमें जोड़ देना है। लाल वायर जुड़ने के बाद हमारे पास बीच वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पर हमें येलो वायर जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो ये तीसरा टर्मिनल खाली है, इसके अंदर हमें तीसरा ब्लू वायर जोड़ना है। इतना करने पर हमारे स्टार्टर के अंदर 3 फेज सप्लाई आ चुकी है RYB। ये तो वह वायर होंगे जो हमारे पास आगे से आ रही है इनपुट सप्लाई के रूप में। और अब यहाँ पर आपको नीचे जो 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं और ये चौथा, इसके पहले दूसरे तीसरे टर्मिनल के अंदर हमें मोटर वाले वायर जोड़ने हैं। इसके पहले टर्मिनल में हमें रेड वायर को जोड़ना है और इसके बीच वाले टर्मिनल में हमें वापस येलो वायर और तीसरे टर्मिनल में ब्लू वायर जोड़ना है। इस प्रकार हमारे मोटर के वायर भी जुड़ जाएंगे, पर वायर जोड़ते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे ये टर्मिनल बॉक्स है इन्हें अच्छे से कस देना है, यह ढीले नहीं होने चाहिए। अगर ये ढीले हुए तो यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती हैं और शॉर्ट सर्किट के चांस हो सकते हैं, इसलिए इन 6 टर्मिनल को हमेशा मजबूती से कसकर रखना चाहिए। ये तो हो गए स्टार्टर के कनेक्शन। अब हम यह भी जान लेते हैं कि हमारा स्टार्टर काम कैसे करता है। हमारे इस स्टार्टर में 2 पुश बटन जो कि बाहर से ही हमें दिखाई दे रहे थे वह होते हैं, और बीच में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रिले होती हैं। इसका उपयोग कर हम अपनी मोटर को जलने से बचा सकते हैं।
अगर हम इसकी सही रेटिंग पर इसको सेट कर दें, यह हमारे मोटर की एम्पियर के आधार पर हमें इसको सेट करना पड़ेगा, ताकि अगर किसी कारणवश मोटर आवश्यकता से अधिक करंट ले तो यह ऑटोमेटिक स्टार्टर को ऑफ कर दे, जिससे कि हमारी मोटर जलने से बच जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है NVC, यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। अब यह काम कैसे करता है उसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था तीन टर्मिनल हैं, और उन तीनों टर्मिनल के अंदर हमने 3-phase सप्लाई को जोड़ना होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये ब्लू वाला टर्मिनल है, यहाँ से एक वायर कनेक्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और वो आ रहा है इस पुश बटन के पहले वाले टर्मिनल के अंदर। यह ऑन पुश बटन होता है, अर्थात कि जो सप्लाई यहाँ पर आ रही है वो कभी भी यहाँ तक नहीं आ पाएगी जब तक हम इस पुश बटन को पुश नहीं करते हैं। और इसके पुश करने के बाद हमारी मोटर ऑन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो इस टर्मिनल तक आ जाती है। फिर इस टर्मिनल से होते हुए यहाँ पर आपको ये रेड वायर दिखाई दे रहा है, इससे सप्लाई आ जाती है दूसरे पुश बटन के पहले टर्मिनल में। यह ऑफ वाला पुश बटन है। ऑफ वाला पुश बटन अंदर से कुछ इस प्रकार बना होता है कि जो हमारी सप्लाई यहाँ से है वो डायरेक्ट ही यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि यह NCPB पुश बटन है, अर्थात नॉर्मली क्लोज पुश बटन। इसकी सप्लाई यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाती है। और जब हम मोटर बंद करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम जैसे ही पुश बटन को पुश करते हैं तो हमारी सप्लाई जो यहाँ तक आ रही है वो आगे नहीं जा पाएगी और हमारी मोटर बंद हो जाती है। और इस पुश बटन से निकलने वाला ये ब्लैक वायर सीधा जा रहा है हमारी NVC के अंदर। NVC स्टार्टर का सबसे मेन पार्ट्स होता है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट से तात्पर्य सामान्य दिशा में कुछ नहीं है, पर जैसे ही इसे हम सप्लाई मिलती हैं यह एक चुंबक की तरह काम करने लग जाती हैं, अर्थात ये चुंबक बन जाती हैं। और NVC का दूसरा सिरा जो ये ब्लैक वायर से होते हुए वापस 3-phase सप्लाई के पहले वाले वायर के अंदर जोड़ रखा है। इस प्रकार ये स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट पूरा हो जाता है। अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब हम इस ऑन पुश बटन को पुश करते हैं तब तक ही यहाँ की सप्लाई यहाँ पर जा पाती है, तो उसके बाद सप्लाई आगे कैसे जाती है और मोटर कैसे ऑन रहती है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये चौथा टर्मिनल दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हमने किसी वायर से नहीं जोड़ा, ये होता है ऑक्सिलरी वायर। अब हम इसे ध्यान से देखें तो जो हमारा पुश बटन का पहला टर्मिनल है यह नीचे ब्लेड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो इसका पुश बटन का दूसरा टर्मिनल है वो वायर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जो पहला टर्मिनल था वो ब्लेड से होते हुए इस टर्मिनल तक सप्लाई को पहुँचा देता है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यह NVC अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेट है। हम इसको जैसे ही सप्लाई देंगे तो अभी जो आपको ये चारों टर्मिनल के बीच में ये जो जगह दिखाई दे रही हैं यह जगह ख़त्म हो जाती हैं और हमारी मोटर ऑन हो जाती है। हम इस स्टार्टर को सप्लाई देकर टेस्ट भी कर लेते हैं। हमने स्टार्टर को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और हमारे पहले पुश बटन के पहले टर्मिनल में सप्लाई आ रही है, आप देख पा रहे हो, और उसके दूसरे टर्मिनल में सप्लाई नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि यह पुश बटन है। अब हम जैसे ही इसे ऑन करते हैं
तो हमारे दूसरे टर्मिनल के अंदर भी सप्लाई आ रही है, जैसा कि आपको टेस्टर के अंदर दिखाई दे रहा है। और अब अगले पुश बटन में सप्लाई चालू हो चुकी है। अब हम जैसे ही दूसरे पुश बटन को पुश करते हैं तो हमारी सप्लाई वापस डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस प्रकार ही हमारा स्टार्टर काम करता है। यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, कि हमारा स्टार्टर के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और ये कैसे काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल पुश बटन को भी ऑन ज़रूर करें।